न्यूटन लॉ मोशन का न्यूमेरिकल 13। द इलेवेटर इन फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। तो यहाँ पे इस तरह से फिगर दी है और ए जो है हमारी इलेवेटर है और ये स्ट्रिंग जिसके उस इस इलेवेटर को पकड़ के रखा है, स्ट्रिंग होगी वो, और उस इलेवेटर में दो ब्लॉक है, ब्लॉक बी और उसके ऊपर रखा हुआ ए, और हमें पूछा है कि ए इस ब्लॉक बी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो ए तो कितना उसका वेट होगा, इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा ना। जैसे अगर हम एफ बी डी निकालते हैं ए की, तो क्या होगा, ए ए ब्लॉक और उसका वेट बी पर कितना आ जाएगा, जितना उसका वेट है एम जी, और एम जी फिर ए ब्लॉक उसे ऊपर की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगी एम जी। लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये एलिवेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये बॉडी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो इसके कारण ये नॉर्मल चेंज होगा या ये वेट इफेक्टिव रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मतलब ऑलवेज इज इक्वल टू एम जी, ऐसा याद नहीं रखना है। तो उसकी पोजीशन या वो कहाँ पे रखी है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन आती है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इलेवेटर में कैसी चेंज होती है, ये हम ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। जब ये इलेवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, डिसेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है या रेस्ट है, ऐसे चार कंडीशन है, और ऊपर जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, डिसेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, ऐसे अलग अलग 6 कंडीशन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे, तब आपको इलेवेटर का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक हम इतना देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा, एम जी ज्यादा होगा एन से, तो कितना ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एम जी माइनस एन, और ये रिजल्टेंट फोर्स के कारण बॉडी एक्सेलरेट होगी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ बॉडी ये जितना भी होगा इंटू एक्सेलरेशन। तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, तो एन क्यों फाइंड करना है हमें, सबसे पहले ए देखते हैं। तो हमें पूछा है कि बॉडी ए बी पर कितना फोर्स ऐड करेगी, तो यहाँ पे ये देखना है कि अब एम जी तो नहीं लगेगा, एम जी इतना फोर्स नहीं ऐड करती है, तो कितना फोर्स ऐड करती है, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि ए बॉडी, कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स ऐड करेगी उतना ही दूसरी बॉडी उस पर फोर्स ऐड करेगी। तो ए बॉडी उस पर कितना फोर्स ऐड कर रही है, एन, मतलब इतना ही फोर्स ए बॉडी इस पर एक्ट कर रही है, मतलब वो एन फोर्स होगा जो बॉडी ए बी पर एक्ट कर रही है, मतलब हमें एन फाइंड करना है। और एन कितना होगा, ए इस साइड में चला जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और ए इस साइड में आ जाएगा तो एम, यहाँ पे जी माइनस होगा एन ए, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो फोर्स ए एग्जर्ट कर रहा है वो कितना आ रहा है, तो एम को कॉमन ले लेंगे हम, तो जी माइनस ए, तो यहाँ पे इतना फोर्स एक्ट करेगा ए ऑन बी, तो फोर्स कम आ रहा है, एमजी पहले था अभी फोर्स कम आ रहा है, तो हमेशा वो कम आ जाएगा या ज्यादा होगा या बढ़ता जाएगा या कांस्टेंट, ये अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड रहेगा, मतलब इलेवेटर नीचे आ रही है एक्सेलरेट डिसेलरेट हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में, या ऊपर जा रही है एक्सेलरेट डिसेलरेट या यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट पे, इस पर डिपेंड रहेगा। तो ये पूरा डिटेल नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे, अब फिलहाल ये हमें मिल गया है कि फोर्स कम हो रहा है और उसकी वैल्यूज दी है, तो उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो एफ आ गया एम, एम की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो वो ब्लॉक जो होगा वो ब्लॉक की वैल्यू दी है हमें 0.5 kg, तो ये 0.5, और जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ और एक्सेलरेट यहाँ पे 2 हो रहा है, तो एफ कितना आएगा 0.5 और ए आएगा 8, मतलब एफ आ रहा है 4 न्यूटन इस न्यूमेरिकल में।